at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जिस दिन भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था, उस दिन एक तेजस्वी आवाज ने बंगाल के उत्तरपाड़ा में जनता को संबोधित किया। ये एक ऋषि की आवाज थी। सनातन धर्म हमारे लिए राष्ट्रीयता है। जब सनातन धर्म का पतन होता है, तब राष्ट्र का भी पतन होता है। अरविंद घोष एक आजादी का मतवाला क्रांतिकारी, एक तेजस्वी विचारक, एक महायोगी और एक संत। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 में बंगाल प्रांत के कोलकाता में हुआ। अरविंद घोष ने दार्जिलिंग के लोरेटो हाउस बोर्डिंग में प्रारंभिक पढ़ाई की। जब अरविंद घोष केवल 7 साल के थे तो उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। यहाँ पर उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। भारत लौटकर अरविंद घोष को 1993 में बड़ौदा के गायकवाड़ के महाराज के पास नौकरी मिल गई। यहाँ वो ब्रिटिश रूल की हकीकत से रूबरू हुए और आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। पूरे देश में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। अरविंद घोष भी उत्तेजित हुए। 1906 में वो बंगाल आ गए। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। 1907 में अरविंद घोष ने वंदे मातरम अखबार की शुरुआत की। वंदे मातरम में ब्रिटिश राज के खिलाफ लिखने की वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई और इसमें वो नाकाम रहे। खुदीराम बोस पुलिस के हाथों लगे और उन्हें फांसी दी गई। अरविंद घोष को भी गिरफ्तार किया गया। अलीपुर षड्यंत्र केस में उन्हें अलीपुर में 1 साल तक एकांत कारावास में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। यहीं जेल में उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई और वो आजादी की लड़ाई छोड़ आध्यात्म की तरफ मुड़ गए। 1910 में अरविंद घोष जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने योगाश्रम बनाया। पांडिचेरी में रहते हुए अरविंद घोष आध्यात्म की गहरी अवस्था में गए और इंटीग्रल योगा या संपूर्ण योग का विकास किया। इसका उद्देश्य था मानव जीवन को योग और ध्यान साधना के जरिए सुंदर बनाना। इस दौरान अरविंद घोष ने कविताएं और किताबें लिखी। सावित्री नाम की वृहद कविता बेहद प्रसिद्ध रही। साथ में उन्होंने वेद, उपनिषद और भगवत गीता पर किताबें लिखी। 1926 में अरविंद घोष ने अपने आध्यात्मिक सहकर्मियों और मिर्जा और मिर्रा अलफस्सा, जिन्हें मदर कहा जाता है, उनकी मदद से श्री अरविंदो आश्रम की स्थापना की। अरविंद घोष ने कविता, आध्यात्म और तत्वज्ञान में जो योगदान दिया, उसके लिए उन्हें नोबल के साहित्य पुरस्कार और नोबल का शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। 5 दिसंबर 1950 को महर्षि अरविंद घोष अनंत में विलीन हो गए।